Assalamu alaikum, I am Taslim Begum. Today, inaugural program of installations of the CCTV cameras under community CCTV project at Nilofer Hospital Land, Red Hills Division, Hyderabad, in the limits of Nampally constituency police station on 15 June 2022. Chief guests Sri Jafar Hussain Mehraj, member of Legislative Assembly Nampally, Sri C. Venugopal Reddy, Assistant Commissioner of Police Saifabad Division, Hyderabad City, Sri M.D. Khalil Pasha, Inspector of Police Nampally Police Station, Hyderabad City, and Red Hills Division Corporator Arif Rizwan, organized by Jamil and Mohammed Nassar and others. Mohammed Rahmat, Senior Reporter, Editor-in-Chief, Engineer Singh Rao, City Light E-News. नामपल्ली के लिमिट्स में आज 8 न्यू कम्युनिटी कैमरास इंस्टॉल किए गए। एक्चुअली कम्युनिटी कैमरा अच्छा कॉस्टली रहता, थोड़ा अच्छा क्लैरिटी रहता उसमें। नाइट के टाइम पे भी कुछ भी अगर इंसिडेंट हुआ, अगर गाड़ी का नंबर भी नोट करना है तो कम्युनिटी कैमरे से अपन इजीली आइडेंटिफाई करके वो गाड़ी का नंबर भी नोट डाउन कर सकते हैं, जिसमें काफ़ी हद तक अपने को क्राइम कंट्रोल में काम को आते हैं कैमरेस। ये कैमरेज जो कॉस्टली कैमरेज है, ये कम्युनिटी के लिए ये नीलोफर हॉस्पिटल के पास छोटे छोटे वेंडर्स जो है, छोटी छोटी जो टी स्टॉल है, कोई कुछ स्मॉल प्लास्टिक सामान बेच रहे, ये लोग अपनी तरफ से जुस्तजू करके 1.5 लाख रुपीज़ ये लोग खर्च करके पूरे टोटल 10 कैमरेज यहाँ पर इंस्टॉल किया गया, जिससे कि MNJ कैसर हॉस्पिटल और नीलोफर चिल्ड्रंस हॉस्पिटल और ये FSL बिल्डिंग, ये पूरे रोड यहाँ पे बिल्कुल एक कैमरे के व्यू में आ गया, जो कि रोज़ यहाँ पे कम से कम 1000 to 2000 पेशेंट्स के ताल्लुक लोग यहाँ पे आते हैं। तो ये सब के ऊपर भी अपन को मॉनिटर करने के लिए बहुत अच्छा सहूलत होता है। एंड मैं कंग्रेचुलेट कर रहा हूँ ये पूरे वेंडर्स को, ये शॉप वालों को, कि इतना अच्छा काम आप लोग बढ़ चढ़ के करे हैं। और ऐसे ही मैं दूसरे लोगों को इन्वाइट कर रहा हूँ, जिस किसी के पास भी ऐसा कुछ आइडिया है तो आप लोग आइए, हम कोऑर्डिनेट करके आपको ये काम सक्सेस कराने में हमारा बिल्कुल रोल अदा करेंगे। थैंक यू। अभी क्या है ना, अभी ये कैमरे लगाए हैं, आप जैसा बोले हो कि हर वक्त बोलते हैं हम आके देखे था कोई भी नहीं रहता, अभी ये कैमरे आ गए तो अपन कैमरे में देख के उसके ऊपर अच्छा सा मॉनिटर कर सकते हैं। थैंक यू। आज नीलोफर हॉस्पिटल के पास में, जो नीलोफर हॉस्पिटल के रोड है, जिसमें ओल्ड बिल्डिंग, न्यू बिल्डिंग, नेटको बिल्डिंग, ऐसा जो बिल्डिंग के बीच में जो रोड थी उसको 10 कैमरे यहां पर लगाए गए हैं। तो मैं मुबारकबाद ही देना चाहता हूं जो लोग आगे बढ़ के यहां कैमरे लगाए हैं। कोई बड़े लोग नहीं हैं, मगर यहाँ पर जो फुटपाथ पे कारोबार करते वैसे लोग आगे बढ़ के आके अपना कंट्रीब्यूशन देके 10 कैमरे यहाँ पर लगाए हैं। इससे सहूलत ये होती है कि क्राइम की कंट्रोल होता है, जिसके अंदर हमारे नामपल्ली के इंस्पेक्टर साहब खलील बादशाह साहब और उनकी पूरी टीम ने इसमें ख़ास तौर से न सिर्फ दिलचस्पी ली बल्कि इन लोगों में एक अवेयरनेस लाने के लिए कहा। क्योंकि अगर फ़र्ज करिए कोई भी इंसिडेंट होता है, नो डाउट पुलिस के कैमरे है, मगर मेन स्पॉट पे एक गली में अगर 10 कैमरे लगे हुए रहेंगे तो उसके अंदर जो भी अगर है, नीलोफर हॉस्पिटल से अक्सर एक कंप्लेंट आता है कि बच्चे पैदा होने के बाद बच्चों को कोई लेकर चले जा रहा या ऐसा, तो ऐसे तमाम चीज़ों को हम कंट्रोल करने के लिए, ट्रैकिंग करने के लिए सहूलत रहती है। हमारे रेड हिल्स कारपेटर जनाब आरिज रिजवान साहब, इनकी ख़ास दिलचस्पी होती है ऐसे कामों के अंदर, इसमें भी ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं। उसके साथ साथ जितने लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करे हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ख़ास तौर से थैंक उनको इसलिए बोलता हूँ कि एक अच्छे काज के लिए आपने आगे बढ़कर ये काम को अंजाम दिया है, तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। आप लोगों का ताउन हमेशा से
हमारे साथ था और इंशाल्लाह आइंदा भी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।